और सब ठीक छे। अब नीक छे तो व्यवस्था ठीक छे, लाइट फाइट सब ठीक छे, एकदम बढ़िया, कोनो दिक्कत। लेकिन एहि बेर बाथरूम के नहि ठीक सही छे, बीमारी भ रहल छे। हैया बीमार छे, पैखाना ते बैसल छे, मच्छर से होय छे। मुरे बीमार देखियौ ने, ओठम बगलम छथिन हॉस्पिटल नि चढ़ेली। आ बड़ सुंदर या, मुझे पहिने डिबियो नहीं बढ़े थे, अब लाइट जड़े छे। पूरा एक महीना रहे छे? हाँ पूरा एक महीना, पूर्णिमा में एलो, हाँ पूर्णिमा में जाए। अब डेढ़ महीना भ जे, डेढ़ महीना। हाँ पहले एते व्यवस्था नहीं रहे, आब एखन एहि बेर बेसी व्यवस्था छे। दिन भर में की सब करबे, नहीं हेबे खेबे, पूजा पाठ करबे और के। हाँ खाना अपने से बनबे छिए? खाना अपने। डरते नहीं थे, सुविधा नहीं था, आदमी तो एबे करता था, लाइट रहता था लेकिन दिक्कत था। ये हम तो ये पूर्णिमा दिन से छे। का साल से आबे छिए? 4 साल से आबे छिए। कैसे साल से आबे छिए? 4 साल। 4 साल से? हाँ। आप ठीक लगे छे तो? हाँ लगे छे। खाना पीना ही बनबे छिए? हाँ ही बनबे। अपने बनबे छिए? अपने बनबे। दिक्कत नहीं होइए? दिक्कत होइए, बूढ़ भेलिए डर से। बूढ़ भेले तो बनबे छिए? हाँ। एक महीना तो पूरा पूजा पाठ कर देबे? हाँ। चलिए हम बता दें कि ये वो जगह हम आपको दिखाना चाहते हैं। खासकर ये कहा जाता है कि कार्तिक मास एक माह धार्मिक स्थल बन जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में ही नहीं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, यहाँ जा करके पूजा उजा कर अर्चना करते हैं। और खासकर हम बता दें, अगर पूरा स्थिति को यहाँ देखिएगा तो आप इतना मूव मत करो, धीरे धीरे कैमरा मूव करो। तो हम बता दें कि आपको कहिया से अतः आबे छे, कै साल से आबे छे यहाँ? हम तो फर्स्ट ही एलो हूँ। पहले बार एलिए? जी। केहन लागे यहाँ? खूब बढ़िया, खूब आनंद। हाँ खूब आनंद। की सब करे छे भोरे उठ के? ओके बाद तक स्नान करके गंगा स्नान केलो। हाँ। 5 बजे भोरे में। हाँ। आ सब गंगा का अथी केलो सब किछु। हाँ। ओकर बाद बैस के माला लग जप उप सब केलो। अच्छा। अब एखन भागवत गीता सुनै लए बन गेलो। अच्छा। और सब ठीक छे? अब नीक छे तो व्यवस्था ठीक छे, लाइट फाइट सब ठीक छे, एकदम बढ़िया, कोनो दिक्कत। एहि बेर बाथरूम के नहि ठीक सही छै। बाथरूम दिक्कत छै, ओकरा में जाइ छै बाजा भूकल लागै छै। जनानी सब आब की जनानी सब कहियै? एक सरकार अखन बना रहल छै ना 20 उमहर धर्मशाला, ओ तो सर बनबे करतै, इमहर अखन एक महीना दिक्कत छै। कतेक आदमी हेबै अहाँ सब? बाबरा अच्छा छै तऽ पूरा हर दिन बतू, पूरा बहुत छै यौ। तो चलिए हम आपको लगातार दिखा दे आपको हम। हाँ क्या? हम अपना बेटी के पूछलिए यहाँ दिल्ली में से। हाँ। आरती सब देखे छे ना टीवी पर? हाँ, हाँ, हाँ। कल के नहीं आबी? आबे छे, आरती आबे छे ते आइए। हाँ बीमारी, खाली गंदगी से बीमारी भ रहल छे। हैया बीमार छे, पैखाना ते बैसल छे, मच्छर से होय छे। मुरे बीमार देखियौ ने, ओठम बगलम छथिन हॉस्पिटल में नि चढ़ेलिए हॉस्पिटल में। अच्छा ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए जो बीमार रहती हैं जो यहाँ पर। अच्छा की इनका उल्टी पैखाना दुनू भेल रहे? अच्छा तो डॉक्टर के दवाई तवाई भेट जाए? हाँ गोली दल के बुझलिए, तो वही दिन हम बाजलिए अही शब्द जो आबे छथिन तो हम कह देवे जो सरकारी हॉस्पिटल एत से हटा दियो। तो डॉक्टर साहब एलखिन तो हम कहलिए हमरा जत हाल भेज देव तो हम जेबे करब, मनुष्य तो हम जिया, दवाई नहीं देवे तो हम सब कम भोर में कहब। अच्छा, दवाई पानी तक 3 सीसा पानी चढ़ेल के ठीक छे। पहले पूरा गंदगी अनहार रहे था, अब लाइट फाइट सब? लाइट साइट सब ये, सब चीज के सुविधा ये, खाली गंदगी के। कै साल से यहाँ बिछिए? हम 5 साल से आबे। पहले की रहे? 2-3 साल पहले की स्थिति रहे, आब की स्थिति? आब बड़ सुंदर ये, मुझे पहिने डिबियो नहीं बढ़ेत रहे, आब लाइट जड़े छे, व्यवस्था बड़ सुंदर छे। खाली एकटा जे एपोटका गंदगी नहीं रहे, दवाई छींटे ने तो गंद नहीं रहे, एहि बेर गंदगी कष्ट। हाँ एहि बेर गंदगी ये। हाँ एक दिन छिटलक है? एक दिन? हाँ एक दिन। इहटा ये कष्ट। और गंगा पूरा एक महीना रहे छे? हाँ पूरा एक महीना, पूर्णिमा में एलो, हाँ पूर्णिमा में जाए। हाँ अब डेढ़ महीना भ जे? डेढ़ महीना। हाँ एहि दुआरे संक्रांति से एलिए, पूर्णिमा क्या के जेबे तो डेढ़ महीना भ जे। चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए जिस तरह तुलसी भी पेड़ लगा करके जिस तरह पूजा अर्चना किया जाता है, ये पूरा तरह धर्म का स्थल ही माना जाता है। क्योंकि देखिए इस तरफ चारों तरफ देखिए जो ये टेंट है जो कि खालसा वो लगाते हैं और इसमें लोग रह करके खाना बनाते हैं, पूरा एक माह यहाँ रहते हैं।
एक माह रहने के बाद अगर हम आपको दिखा दें, देखे पूरी तरह यहाँ पर जितने लोग हैं, ऊपर से कैमरा से दिखाइए कितने लोग यहाँ पर हैं और किस तरह कितना लंबा। यहाँ कहा जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ कार्तिक मास में आते हैं और यहाँ का एक अलग विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में गंगा स्नान करने से और धर्म की बातें सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी लेकर के यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ हैं। जिस तरह घर बना करके यहाँ रहते हैं, देखें यहाँ शौचालय भी है। कहिया रच मामा जी, माता जी कहिया से आबै छी एतौ? कहिया से आबै छी? संक्रांति से कत्ते साल से हम से इहे साल एलिए। पहले साल एलिए? हाँ पहले साल एलिए। हाँ तो केहन लागैए अखन? तो की दिक्कत है? दिक्कत होइ छै? नहि हमरा सबके दिक्कत नहि। नहि कते आदमी आयल छी? हम सब 4 गोटे छी। कत्ते साल छी? दरभंगा से। दरभंगा? कत्ते दरभंगा? दरभंगे से। दरभंगा सजुआर? हाँ सजुआर से। किस तरह व्यवस्था है यहाँ पर? ये शौचालय के व्यवस्था देख लीजिए, इधर इधर शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हैंड पाइप है, पानी का भी व्यवस्था है। और यहाँ रहने के लिए जो खालसा होते हैं, उन खालसा के द्वारा यहाँ पर सबों के रहने के लिए टेंट लगाए जाते हैं। पहले कहा जाता है कि पहले झोपड़ी बनाए जाते थे, फूस के झोपड़ी बनते थे, उस झोपड़ी में सभी रहते थे 1 माह तक, जबकि वहाँ लाइट नहीं थी। जैसा कहा कि डिबिया के आधार पर केवल डिबिया और जो मिट्टी तेल का होता था उसके सहारे लोग 1 माह रहते थे। लेकिन अब हालात ये है कि सरकार जा देखिए किस तरह हाई मास्क लाइट लगा हुआ है चारों तरफ, ये हाई मास्क लाइट लगा हुआ है। इसके अलावा सरकार यहाँ चापाकल, अलग अलग चापाकल यहाँ गड़े हुए हैं। यहाँ देखिए बहुत से लोग यहाँ पर हैं, बहुत सी मिलाएं जो आई हुई यहाँ से। कहाँ से आयल छे? कहाँ से? दरभंगा जिला। दरभंगा से? हाँ। की सब व्यवस्था छे एतय? के व्यवस्था सब चीज के छे? पहले तो फूस कहिया से आबै छियै, कते साल से? हम सब तो बहुत दिन से आबै छियै, 15 साल से। पहले एतय के केना रहैत रही? पहले एते व्यवस्था नहीं रहे, आब एखन एहिबेर बेसी व्यवस्था छै। एहिबेर बेसी व्यवस्था? हाँ। कथी सब पहले फूस के घर बनाबै छलियै? हाँ। लाइट रहै छलियै? हाँ लाइट रहै छलै। अखन ओहो दिन मे रहै लाइट? हाँ। आ एक रोड सब पर बढ़िया लाइट रहै छै? हाँ। आ पानि शौचालय सब खूब खूब बढ़िया? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। हाँ एहिबेर बहुत सुन्दर अछि, सबसे सुन्दर अछि। की सब करै छियै दिन भर मे? की सब करै छियै दिन भर मे? की सब करबै? नहि हेबै खेबै, पूजा पाठ करबै आओर की? हाँ। खाना अपने से बनबै छियै? खाना अपने से पूरा 1 महीना? 1 महीना। ये देखिए एक छोटे से घर में कहा जाता है कि अगर धर्म के प्रति आस्था हो तो एक छोटे से घर में रह करके सभी महिलाएं बैठती हैं। गैस सब नहीं भरबै छियै? गैस से भराई छै तऽ? नहि ताता जे खालसा छै तू नहि भरबा दै छै? नहि कोइ छै दिक्कत होइ छै तऽ? अगर अहाँ से कोई दिक्कत हुए तऽ के देखै छै? खालसे वाला? खालसा देखै छै? देखै यहाँ सब्जी बेचै छियै अहाँ? कतय से आनि के सब्जी बेचै छियै? नहि हमे के बेचै छियै? अहाँ बेचै छियै सब्जी? कहाँ से आनै छियै? बिहट बाजार से। चलिए देखिए यहाँ सब चीज की सुविधा है, हम आपको दिखाना चाहते। देखिए ये चूल्हे हैं, इस चूल्हा पर खाना बनता है और ये लोग शुद्ध शुद्ध कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन में या फिर खाना बना करके ये लोग खाते हैं। 1 माह पूरी तरह भगवान के प्रति आस्था रहता है और ये आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर जो सिमरिया घाट है, अगर उसको कहें तो इस सिमरिया घाट में निश्चित तौर पर वर्षों से, कई वर्ष से लोग यहाँ आते थे और आ करके देखिए किस तरह यहाँ सब एक जगह रहते हैं। और ख़ासकर यहाँ पर जो पूरी तरह से लोग सब एक साथ बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं, बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दरभंगा से। कहाँ से? हाँ। कै साल से आबै छियै? हाँ हमसब बहुत दिन से आबै छियै। हाँ अतः पहले की जो है अतः की सुविधा छै? अखन अखन बहुत सुविधा छै, लेकिन हमरा सबके चढ़ै उतरे में बड़ दिक्कत ओहिठाम होइए। हाँ एते ऊँच गए छै ने तैमे कनि बहुत लाइट उठ के बनी। हाँ हाँ सब चीज। खाना पीना केना? देखिए यहाँ पर खाना भी लोग बना लेते हैं और खाते हैं। 1 माह की सब खाए छियै? 1 महीना? 1 महीना खाए छियै दालि चावल रोटी, आर की खेबै? बस बस। हाँ बिना प्याज लहसुन? बिना प्याज लहसुन। तो देखिए ये बिना प्याज लहसुन का 1 माह पूरे कार्तिक पूर्णिमा में
यहाँ लोग रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और खासकर बता दें, इसका एक अपना अलग महत्व है। और उसके बाद दिन भर पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कथा भी होता है, कथा पाठ भी होता है। और यह कथा पाठ जो होता है उसमें जब पूजा अर्चना के बाद जब लोग घर में खाते हैं उसके बाद देखें यहाँ पर कथा वाचन होता है। और ये कथा वाचन में जरा देखें सभी जो लोग हैं यहाँ पर वो आए हुए हैं सभी। ये दिन भर स्नान करने के बाद यहाँ कथा का वाचन करते हैं, यहाँ पर भगवान की कथा कही जाती है। यानी पूरे दिन यहाँ भगवान और कथा, उसके अलावा जो धार्मिक बातें होते हैं वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। क्योंकि एक माह ऐसा समय है जो उस माह को लेकर के यहाँ बाबा क्या सब कार्यक्रम होता है। सुबह से भक्तिमय संगीत और भागवत कथा चलता है, अभी रात में फिर संगीत होगा। तो यहाँ कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत लोग आते हैं, कितने को कहे, आते हैं जाते हैं, पूरा चुमरिये भरा हुआ है लोग। कितने पहले क्या था वहाँ, यहाँ पर पहले लोग आने से डरते थे? नहीं, डरते नहीं थे, सुविधा नहीं था, आदमी तो एवे करता था, लाइट रहता था लेकिन दिक्कत था। इस बार दिक्कत नहीं है। क्या सब क्या सब व्यवस्था है इस बार? इस बार पैखाना का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था अच्छा से है इस बार। और क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए और ताकि जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ उसके लिए? और सरकार को जो फुलाएगा जो बुझाएगा सो करेंगे, हम क्या मांगेंगे उनसे। नीतीश जी आए थे यहाँ, देखे थे? आए थे, इसमें आए थे और अगले साल आए थे। आए थे, आए थे इस कैंप में, आए थे अगले साल। इस बार वो आए थे संजय झा। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बार वहाँ से दिखाइए जा करके किस तरह, जैन वहाँ से दिखाइए किस तरह, वहाँ से यहीं से दिखाए यहाँ जाकर। तो देखिए ये जो कथा होता है ये कथा का महत्व ही है।